अस्सलाम वालेकुम, आज संडे है और हमने स्टफ बंद बनाए टेबल डे के लिए। अम्मी, उसके लिए पहले आप एक ग्लास वाटर में 1 packet ऑफ यीस्ट एंड सॉल्ट ऐड करेंगे, मिक्स इट वेल एंड देन पुट इट असाइड। टेक सम मैदा, मतलब जितना आपको ज़रूरत है। मैंने 1 packet मैदा लिया, उसमें मैंने ये जो मैंने मिक्सचर बनाया ये ऐड किया, यीस्ट का ये मैंने ऐड कर लिया। इसे मैं मिक्स करूँगी, इसमें मैं 1 cup मिल्क ऐड करूँगी और 1 egg। एग मैंने थोड़ा जज्बाती होकर तोड़ा था, जो कि मैं दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि उसमें शेल भी टूट गया था। तो अब मैंने शेल निकाला कैमरा बंद करके और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लिया। मिक्स करने के बाद इसे नीड करेंगे ना, थोड़ा सा पानी भी यूज़ कर सकते हैं नीड करने के लिए। अच्छे से नीड कर लें और फिर आप एक पैन को या एक बर्तन को लेकर, जिसमें भी आपको इसको साइड में रखना है, उसको आप ग्रीस करके ऑयल से इसमें आप इसको साइड में थोड़ी देर के लिए राइज होने के लिए रख देंगे, जिसमें थोड़ा सा एयर आ जाता है। अब इसे थोड़ी देर के लिए रख दें। अब आपको कीमा बनाने के लिए टोमेटोज, अनियंस, गार्लिक एंड कैप्सिकम एंड सीजनिंग ऑफ योर चॉइस, ये मैंने यूज़ किया है। अब एक पॉट में ऑयल लेंगे, अपनी गार्लिक डालेंगे और इसमें कीमा डाल के इसे अच्छे से भून लेंगे। अगर आप सीजनिंग में ज़्यादा स्पाइसी चाहते हैं, इट्स योर चॉइस, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। आप बनाते रहते होंगे कीमा, अगर बिल्कुल ज़ीरो से हैं तो मैं बता देती हूँ, नमक, काली मिर्च, मेथी, चिली फ्लेक्स, हल्दी, ये सब ऐड करके और आप इसे अच्छे से भून लें, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। और टोमेटोज़ का आपने पेस्ट बना के वो ऐड कर देना और फिर आपने इसे अच्छे से भून लेना है। तो और फिर आपने जो भी भूनने के बाद जो भी वेजीज आप यूज़ करना चाहते हैं, मैंने कैप्सिकम एंड अनियन यूज़ किए हैं, मैं उसमें डाल के भूनूंगी और ये थोड़ी देर में ही प्रिपेयर हो जाएगा। इट्स अ क्विक रेसिपी, नॉट टू क्विक, मतलब ऑफकोर्स 5 minute की मैंने बनाया है तो आपको भी थोड़ा टाइम लगेगा। तो मुझे बहुत सारे बंस बनाए थे क्योंकि मेरे घर में माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चे थे। तो हाँ, वैसे एक बात है, मैं एयर चेक कर रही थी, एयर काफ़ी थी। अब मैं इसे और नीड करूँगी इसके 4 pieces बना के, जिसमें एक पोर्शन मैंने फ्रीज़ कर लिया कि आज तो मैं इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर रही थी, कल मैं उसे यूज़ कर लूँगी। तो आपने सुना होगा कि आदमी के दिल का रास्ता उसके मैदे से गुजरता है, लेकिन मुझे ये कोटेशन बहुत गलत लगता है क्योंकि हमारा भी दिल का रास्ता वहीं से है। मुझे वो लोग बहुत पसंद हैं जो अच्छा खाना बनाते हैं और ऊपर से आपको दावत पे भी बुलाते हैं। मेरी पोपो की एक बेटी है, वो बहुत अच्छा खाना बनाती है और फिर माशाल्लाह से हमें दावत पे भी बुलाती है। और जब हम छोटे होते थे तो हमारे बड़े ताबू की बेटी हर संडे को बिरयानी बनाती थी, हम खाने पहुँच जाते थे। आई डोंट नो कैसा फील करती होगी कि ये लोग खाने आ जाते हैं, लेकिन बिरयानी होती बहुत मज़े की थी। एक दफ़ा वो भी बिरयानी में बेचारी हर संडे को बनाती थी, मुर्गी डालना भूल गई तो हमने आलू वाली बिरयानी खाई थी। खैर, ऐसे इंसिडेंट होते रहते होंगे सबके साथ। तो जिस भी शेप में आप कट करना चाहें अपनी बन को, तो आप कर सकते हैं। मैंने राउंड भी किया है और डिफरेंट शेप भी किया है, और फिर इनमें से इस तरह करके जैसे आप डम्बलिंग बनाते हैं इस तरह करके, फिर इसे राउंड करके मैंने एक ट्रे को ग्रीस करके उसमें इन सब को अलाइन कर दिया। तो इट्स योर चॉइस, अगर आप इसको राउंड करके ही आपको इजी लगता है कि आप इसको फोल्ड कर सकते हैं तो आप राउंड करके कर लें, वरना आप जैसा दिल चाहे ऐसे करके बस आप इसको फोल्ड करके बन शेप में बना लें। आप अपनी ट्रे को ग्रीस करके उसके ऊपर सबको इक्वली डिस्टेंस पर लगा के उसके ऊपर अंडा मैंने लगाया और सीजनिंग में मैंने सेसम सीड्स डाला है। मुझे यमी लगते हैं, कुछ लोग एलर्जिक होते हैं तो वो अवॉइड करें। अभी मेरी छोटी सी नीस है, उसे हमने बाबा के लिए बनाया, उसे बिल्कुल वैसे फॉलो किया जैसे हमने बनाया ना, इसको हम कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे थे, शी वॉज जस्ट लुकिंग पहले एंड देन शी मेड इट जस्ट लाइक वी डिड, यू सी हर लिटिल टाइनी हैंड्स, सो यू कैन ऑल्सो डू इट, इट्स नॉट अ बिग डील। सो दीज आर लाइक 2 small ones which are from her to her baba. So our buns are almost ready. They're ready to be put in the oven, preheated oven. So both the trays, I actually did it separately because pehle bada tray maine banaya hai, phir chota, par yahan pe main pehle chota tray rakh rahi hu, phir bada, mera editing mein fault hai. To thoda der mein ye prepare ho gaye the. अंडा लगाने से ऊपर से जो लेयर आती है ना वो बड़ी अच्छी होती है, उसके लिए आपको ऊपर से ग्रिल पैन ग्रिल ओवन को थोड़ा ऑन करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। तो ये मेरे बंस रेडी हैं, दे वर लाइक सुपर डिलीशियस, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज मैंने बनाए, बट आई श्योरली श्योरली दे वर लाइक यू नो जमा जुआन जमा जमा जनान जमा दुनिया
खाना इज लाइक यू नो इट्स माई इट्स आई थिंक इट्स एवरीबॉडीज फेवरेट थिंग. जो जब अच्छा खाना होता है तो आपका मूड भी अच्छा होता है और देखने में अच्छा हो तो और भी मज़ा आता है. देखिए आप कितने नरम बंस बने और मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊंगी. गर्म बहुत थे, हाथ जल रहे थे, पर क्या करो, वीडियो भी बनाना था. तो ये बहुत सॉफ्ट बंस हैं. अगर आप इसमें चीज़ ऐड करना चाहते हो ना, चीज़ से थोड़ा हैवी हो जाते तो मैंने ऐड नहीं किया कि मैं इसको इसी तरह रॉ ट्राई करना चाहती थी विदाउट एनी अदर थिंग, ओनली कीमा एंड माय बंस. सी धुआं आ रहा है. टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. बाय बाय.